नमस्कार, जय हिंद। जी हाँ, फिर से मैं आ चुका हूँ आप लोगों के सामने, क्योंकि शाम को 5 बज चुके हैं और हमारी आपकी मुलाकात हो सकती है। कल टेक्निकल इशू हो गया था दोस्तों, कल मौसम का ऐसा हिसाब किताब हुआ कि मैं आपको आपसे शाम को 5 बजे नहीं मिल पाया। ये मेरा दुर्भाग्य है, लेकिन मैं आज फिर से उसी जोश और उसी ऊर्जा के साथ आपके साथ फिर से मुखातिब हो चुका हूँ। तो आज क्या है नया? सुबह 9 बजे वाला अभी मैं आंसर बता दूंगा, कितने लोगों ने जवाब दिया, क्योंकि कल शाम को क्लास हुई नहीं, तो सुबह क्या हुआ था, कितने लोगों ने क्या जवाब दिया, वो सब कुछ मैं अभी बता दूंगा, ठीक है? तो चलिए, आप सभी अगर तैयार हैं तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज क्या कुछ नया होने वाला है, ठीक है ना? तो दोस्तों, ये था मेरा क्वेश्चन कल का, ठीक है ना? तो आपके सामने आप सॉल्व करिए, ठीक है? और मैं आपको 21 सेकंड का 3 बार टाइमर दूंगा, ठीक है ना? 21 सेकंड का 3 टाइमर दूंगा, ठीक है ना? चलो, तब तक मैं आज ये देखूंगा कि कल सुबह 9 बजे जो लाइव चल रहा था उसका कितने लोगों ने क्या दिया था। मैं अभी मोबाइल पे तुरंत देखता हूं कि कल कितने लोगों ने लाइव कमेंट में क्या क्या किया था, वो आज मैं आप लोगों को यहां पे देखूंगा। तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व करें कल की क्लास। कल दोस्तों 9 बजे की क्लास में कितने लोगों ने क्या क्या रिप्लाई दिया और कैसे कैसे लोग रिप्लाई देते हैं, या जो जो लोगों का रिप्लाई आता है, मैं कम से कम आज लाइव पढ़ूंगा और मैं उनका, क्योंकि मैं अभी तक मेरी वीडियो स्ट्रीम होती है तो रिकॉर्ड ही सही, लेकिन कल मैं देखता हूँ कि कल जितने लोगों ने लाइव चैट किया था, रिकॉर्डिंग चैटिंग की होती है, जो भी आप चैट करते हो वो रिकॉर्ड होता है। तो देखते हैं भैया कल 9 बजे की क्लास कहाँ है। भैया कल 9 बजे की क्लास ये है, और ज़रा देखते हैं कि कल की जो 9 बजे की क्लास थी उसमें किसने क्या जवाब दिया है। लगातार आंसर देने वाले जितने लोग होते हैं, ठीक है, ये देखो यहाँ पे मैं बता दूं कि ये मैं आप लोगों, अब जल्दी पूछो ये कितने लोग अभी तक कर चुके हैं। ये देखो, ये कल की क्लास है, ठीक है ना? ये जो आप लोगों का चैट चल रहा था, ठीक है, ये सारा चैट मैं यहाँ पे देख रहा था, और मैक्सिमम आंसर करने वाले रश्मि सोनी, रितिका पांडे, गौरव कुमार, ये जो है ये रेगुलर आंसर करते हैं, जिनका लगातार आंसर आता है, ठीक है? तो इसको भी लगातार मैं पढ़ता रहूंगा, ठीक है, किसका आया, और मैं कल का चैट आज पढ़ूंगा। नॉर्मल लगातार लाइव चैट नहीं पढ़ सकते, लेकिन आपको मैं चैट पढ़ के जरूर बताऊंगा। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन करने का एक बहुत प्यारा तरीका होता है, क्या होता है जरा समझना। विनीत ऊष्मा, देखो ऐसे क्वेश्चन करते हैं, विनीत ऊष्मा तरुण है ना, तो क्या है जरा सुनो, विनीत है, ऊष्मा है, तरुण है, विनीत है, ऊष्मा है और तरुण है। विनीत ऊष्मा तरुण फेसिंग टू द सेंटर है, हमें कोई दिखे, विनीत ऊष्मा तरुण सिटिंग इन अ सर्कल एंड फेसिंग टूवर्ड द सेंटर, यानी ये फेसिंग द सेंटर है, हमें कोई दिक्कत नहीं, इनका लेफ्ट लेफ्ट हमारा लेफ्ट है, इनका राइट हमारा राइट है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब अतुल, भानु और चेतन ऑल्सो सिटेड इन अ सेम सर्कल, अतुल, भानु, चेतन ऑल्सो सिटेड इन अ सेम सर्कल, बट टू ऑफ देम आर नॉट फेसिंग टू द सेंटर। फ्रेंड्स, कैन यू एलोबरेट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू ऑफ देम आर नॉट फेसिंग सेंटर। इट शुड बी ए बी भी हो सकता है, बीसी भी हो सकता है और सीए भी हो सकता है, यानी ए बी भी बाहर देख सकते हैं, बीसी भी बाहर देख सकते हैं और सीए भी बाहर देख सकते हैं, 3 कंडीशन बन सकती है। बोलो, बात सही है? तो चलो एक काम करते हैं, हम बनाते हैं, और क्वेश्चन को चालू कैसे करते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे उसका पहला अप्रोच होता है, उसके बारे में सोचते हैं, और सही लगेगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में समर्थन करिएगा, ठीक है ना? 6 लोग हैं, चलो 6 लोगों की बैठा लिया मैंने। उसने बोला कि देखो यहाँ क्या बोला उसने, अतुल, चेतन, मानो ऑल्सो सेम बट फेसिंग टू द सेंटर, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन शुरू है, ये तो कंडीशन दी हुई है, ठीक। उसने बोला विनीत इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ चेतन, मैं नहीं बैठाऊंगा, आप बैठा सकते हो, आप बुद्धिमान हो, मैं नहीं बैठाऊंगा, क्योंकि छीछा लेदर मचेगा, इधर भी बैठेगा, यहां भी बैठेगा, यहां भी बैठेगा। तो मैंने आपको पहले बोला है कि मेरी पहली प्राथमिकता आपको समझाने की यही होती है कि आपको पॉसिबल डायग्राम नहीं बनाना। विनीत इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ चेतन, नहीं बैठाऊंगा। उषमा इज द सेकंड टू द राइट ऑफ अतुल, नहीं बैठाऊंगा। अरे, किसी ने कहा ये कौन सी बात है यार? मैंने कहा वी डोंट नो कि ए बी सी में कौन अंदर देख रहा, कौन बाहर देख रहा, मुझे बिल्कुल पता नहीं है ए बी सी में कौन अंदर देख रहा है, ए बी सी में कौन अंदर देख रहा, कौन बाहर देख रहा, मुझे पता नहीं है। तो इनके अगल बगल स्टार्टिंग बैठाऊंगा ही नहीं, वरना शुरू से मेरे दो दो डायग्राम बनने लगेंगे, तो मैं तो कतई नहीं बैठाने वाला। चलो ठीक है, फिर आगे क्या बोलता है, ठीक है, विनीत यहाँ पे क्या बोला, कहाँ पे थे मैं, उषमा इज द सेकंड टू द राइट ऑफ अतुल, नहीं बैठाऊंगा, ए बी सी के अगल बगल बैठाऊंगा ही नहीं, मुझे कंफर्म क्या है, वी यू टी। चलो आगे देखते हैं, बल्लू इज द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ तरुण, बल्लू इज द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ तरुण, और आपको पता है कि विनीत, उषमा, तरुण आर फेसिंग टू द सेंटर, तो भाई तरुण यहाँ पे आ गया,
तरुण यहाँ आ गया, और क्या है ना, विनीत इज अ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बल्लू, इज अ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ तरुण, बल्लू इज अ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ तरुण। इसका मतलब कि बल्लू कहाँ आ जाएगा, बल्लू यहाँ आ जाएगा, थर्ड टू द लेफ्ट। चाहे भाई छः का आधा तीन बोल रहा है तो भाई ये तो फेसिंग टू द सेंटर है, इसका तो कन्फर्म है, तो बल्लू सामने ही बैठेगा, ठीक है। चेतन इज अ सेकंड टू द राइट ऑफ तरुण, तरुण का तो फेस क्लियर है कि नहीं, अब देखो कितनी आसानी से एकदम क्लियर हो जाएगा। चेतन इज अ सेकंड टू द राइट ऑफ तरुण, तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, राइट होगा, क्योंकि फेसिंग टू द सेंटर है। विनीत ऊष्मा तरुण का पता है, तो यहां पे कौन हो गया, चेतन हो गया, यहां पे कौन हो गया, चेतन हो गया, चलो ठीक है, चेतन हो गया। आगे देखते हैं, आगे क्या बोला, यहां तक हो गया। अब जो बैठ गए हैं, अब सोचो ना, यहां तक तो सर ठीक है, पता चल गया कि हम हमेशा क्वेश्चन वहां से स्टार्ट करते हैं जिसके बारे में फिक्स होता है। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, जो हम बैठा चुके हैं हम सिर्फ उन्हीं के अगल बगल खोजेंगे। अब देखो, तरुण के लिए कोई लाइन लिखी गई है, तरुण के लिए नहीं, बल्लू के लिए कोई लाइन लिखी गई है, नहीं, चेतन के लिए कोई लाइन लिखी गई है, जी हाँ, विनीत इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ चेतन, विनीत इज अ सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ चेतन। अगर मैं इस तरफ बैठाता हूं तो एक और दो, यहां तरुण बैठा है मतलब ये बैठेगा नहीं, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ, अब उसने बोला विनीत इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ चेतन, तो अब समझ लो कि विनीत की अगर बात की तो विनीत कहां बैठेगा, यहां बैठेगा, तो फिर चेतन को बाहर देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर इधर बैठा था तरुण की जगह बैठता तो सेकंड टू द लेफ्ट घड़ी की दिशा हो जाता, लेकिन घड़ी की विपरीत दिशा में अगर विनीत बैठा है तो इसका मतलब चेतन बाहर देखेगा। चलो ठीक है, आगे देखते हैं, फिर क्या बोला, अब मैंने जो बैठा लिया है मुझे उसी के अगल बगल देखना है। अब देखो विनीत बैठ गया, तो विनीत से ही लगी हुई लाइन क्या है कि अतुल इज नेक्स्ट टू विनीत, यानी अतुल इज नेक्स्ट टू विनीत, ठीक है, अभी हमें फेस नहीं पता। अब आगे उसने बोला कि देखो बचा हुआ पर्सन बैठाने से पहले, मैंने पिछली क्लास में आपको समझाया था कि बचा हुआ पर्सन बैठाने से पहले देख लो उसके कोई खिलाफ कोई बयान तो नहीं दिया गया है। ऊष्मा इज अ सेकंड टू द राइट ऑफ अतुल, ऊष्मा अतुल के सेकंड राइट है, तो याद रखना ऊष्मा यहां आ जाएगी, ये तो बात ठीक है, लेकिन ऊष्मा अतुल के सेकंड राइट है, दैट्स मीन कि ऊष्मा अतुल का सेकंड राइट है, तो ये जब फेसिंग टू द सेंटर होगा तब विपरीत दिशा राइट होगा, फेसिंग सेंटर होगा तब घड़ी का अपोजिट डायरेक्शन ही राइट होगा। तो इसका मतलब अतुल फेसिंग सेंटर है, चेतन आउट ऑफ सेंटर है, तो यहां पे बी को आउट सेंटर होना पड़ेगा, बिकॉज टू ऑफ देम आर फेसिंग टू द टू ऑफ देम आर आउट ऑफ सेंटर, और बाकी सब तो फेसिंग सेंटर है ही, तो यहां पे अगर आपसे बोले कि बाहर की तरफ कौन देख रहा है तो बी और सी आर इज आउट ऑफ सेंटर, और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो आशा करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, और ऐसे क्वेश्चन का अप्रोच देखो, छोटे क्वेश्चन से ही बड़े क्वेश्चन तक करने का रास्ता जाता है। बड़े क्वेश्चन करा दूंगा आधा पंद्रह आधा घंटा 45 मिनट कैसे निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो आशा करता हूं यहां पे मैक्सिमम चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ये लोग हैं जो जवाब दिए थे, वशी है, ठीक है ना, वशी है, रितियाज सेठ है, सलोनी सिंह है, सुधीर कुमार सेठ है, वीरेंद्र कुमार शर्मा है, जिन्होंने जवाब दिया था बहुत ही शानदार, श्वेता कुमारी, इंद्रा अवस्थी, नवनीत बल्ला, विजयकांत यादव, साक्षी राजपूत, अंशी, सलोनी गौतम, उत्कर्ष टंडन, सोनालिका कुमारी, अरिजीत बैनर्जी, यानी ये सब लोगों ने बिल्कुल भाई सही जवाब दिया। तो चलो भाई, एस पंचमा, रश्मि, अरुचि शर्मा, और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस समय मेरा वीडियो ये चल रहा होता है, मैं आपको बता दूं कि ऐसे मैं सबका कमेंट यहाँ पे देख के रिप्लाई कर रहा होता हूँ। अब आप यहाँ पे जरा देखिए, यहाँ पे जो लोग हैं, अभी मैं अगला सेशन स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे आप जो लोग भी मुझे देख रहे हैं जरा देखो, इसमें आंसर करने वाले जरा देखो आंसर कितने लोग करते हैं। एस पंचीमा का देखो अभी आंसर ऊपर जा रहा है यहाँ पे। अब आप देखो ये जितने राजेश आंसर कर रहे हैं, प्रशांत आंसर कर रहे हैं, तो इनका नाम मुझे क्यों याद हो जाता है, क्योंकि ये सब रेगुलर आंसर करते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं कि जब आप सेशन देख रहे हो तो हर क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से इनकी तरह जवाब दिया करें, ठीक है ना। चलो दोस्तों, अब आज के सेशन का पहला क्वेश्चन से मैं आपको मुखातिब कराता हूँ। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये है आज का पहला क्वेश्चन। ये नहीं, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने जवाब दिया था, तो ठीक है, अभी कुछ लोग बचे हुए थे, तो ये सब वो जवाब है, ठीक है ना। चलो, तो आज का मैं आपका पहला क्वेश्चन दिखाता हूं, जो कि ये, जल्दी से बताओ, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। जल्दी सोचो कि यहां पे क्या होगा, बिल्कुल। अब
आंसर करना तो सीख गए होगे, लेफ्ट हैंड साइड से 20, तो जो बोला उसको ऐसे लिख लो। यहाँ पे क्या बोला जरा समझना ध्यान से, इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, आपको दिख जाएगा। उसने बोला लेफ्ट हैंड साइड से 20, तो लेफ्ट हैंड साइड से 20 लिख लिया। फिर क्या बोला, लेफ्ट हैंड साइड से 20 कैरेक्टर के लेफ्ट हैंड साइड 16 लिख लिया, कि राइट हैंड साइड 10 लिख लिया। केवल क्वेश्चन लिखा, अभी सॉल्व तो नहीं किया, सिर्फ क्वेश्चन लिखा है। चलो ठीक है, इतना लिख लिया। अब आगे देखना, सेम सेम होता है तो घट जाता है, सेम सेम होता है तो घट जाता है, बोलो हाँ या ना। सेम सेम होता है तो क्या होता है, घट जाता है, और अलग अलग होता है तो जुड़ जाता है, अलग अलग होता है तो जुड़ जाता है, बोलो हाँ या ना। अलग अलग होता है तो जुड़ जाता है। अब देखो सेम सेम है, घट जाएगा, 20 में से 16 जाएगा तो L4 बचेगा, ये देखो L4 आ गया, R10। अब अलग अलग क्या है, जुड़ जाएगा, तो 10 चार कितना हो गया, 14 हो गया। अब L14 क्या होता है, N होता है, ये देखो बिल्कुल शानदार, जबरदस्त जवाब। अब ऐसे क्वेश्चन की तो एकदम आदत पड़ गई होगी, लगातार आंसर कर रहे हो, तो जल्दी से इसका जवाब बताओ। ऐसे कितने वर्ड जो हाँ ड्रामा क्वीन किंग लिखा हुआ है, ठीक है ना, जल्दी बताओ। ऐसे सभी अक्षरों में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुरूप व्यवस्थित किया जाए तो पुनर्व्यवस्था के उपरांत कितने अक्षर को स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दोस्तों समझो क्या है, उसने बोला इफ द लेटर इन द वर्ड ड्रामा क्वीन किंग आर अरेंज एज दे अपियर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर देन द पोजिशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज आफ्टर द रीअरेंजमेंट। दैट्स मीन कि ये आपको जैसे ड्रामा क्वीन किंग ऐसे लिख देना है, ठीक है। इनको मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दिया, दो बार ए आया है तो ये ए लिख दिया, ए के बाद डी आता है फिर ई लिख दिया, जी आई के एम, सबको ऐसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दिया, ठीक है। तो फिर उसने क्या बोला, ऐसे कितने अक्षर होंगे जिनके स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो पहले ड्रामा क्वीन किंग को लिख लिया, सबको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख लिया, इसका आंसर डैम श्योर आ जाएगा, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस होते हैं। जरा सोचो किसने किसने जगह नहीं बदली, एक एन ने नहीं बदली, ठीक है, यानी सिर्फ एक एन ही ऐसा है जिसने अपनी जगह नहीं बदली, बाकी सब की जगह बदल गई है जब आप इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे, यानी आपके पास सिर्फ एक एन ही है जो अपनी जगह पर रहेगा। तो शानदार जबरदस्त एक नंबर जवाब, कॉपी पेन लेके जो सॉल्व करते हैं दोस्तों उन्हीं का आंसर आप देखो बहुत तेज कमेंट बॉक्स में आता है। चलो यहां पर बताओ, ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अंतर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, जल्दी से इसमें बताओ क्या हो। 2, 4, 3, 5 स्टैंप होप में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके बीच वही अंतर है जो अंग्रेजी वर्णमाला में। मैं आपको बताता हूं, समय हो गया, जरा सोचो। इनको अगर मैं ऐसे देखूं, एस और टी अल्फाबेट में, एस टी जब एस टी की हम बात करते हैं तो देखो यहां पे 19 और 20 वही है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये देखो 15 और 16 एक साथ आ रहे हैं, चलो ठीक है। फिर देखते हैं, ये तो 15 16 तो हो गया भाई, फिर देखते हैं, देखो यहां पे 13 14 15 16, ठीक है ना। अब देखो ये हो गया, अब अगर हम देखें तो यहां पे ई से एच भी तो जा सकता है, 5 6 7 8, यानी ये वाला ई से एच जाएगा। मतलब कहने का क्या है, जरा समझना ध्यान से क्या है, एक बार जब भी ऐसे क्वेश्चन को देखना हो तो आप केवल इसको ऐसे लिख दो, आपको एकदम और क्लियर हो जाएगा, नंबर में पलट दो एकदम समझ में आ जाएगा। ये 19 है दोस्तों, तो ये 20 है, ये 1 है, ये 13 है, ये 8 है, ये 15 है, ये 16 है और ये 5 है। अब जरा देखो 19 20 एस टी एक साथ है, 15 16 एक साथ है, 5 के बाद 8 अगर जाना हो तो 5 6 7, तो ये देखो 8 वही गैप आ रहा है, ठीक है। अब जरा ओपी हो गया, अब जरा देखो यहाँ पे 13 है, 13 से 16 जाना है, तो यहाँ पे देखो 14 15 और ये देखो 16, यानी ये हो गया। तो यानी आपसे अगर बोला जाए कि ऐसे कितने हैं, ऐसे कितने हैं तो 4 हैं, ऐसे कितने हैं 4, 3 इधर और 1 एसटी को मिला के कितने हो गए, 4 हो गए, बिल्कुल सही जवाब। चलो इनको लेफ्ट राइट डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाए तो बताओ ऐसे कितने नंबर हैं जिन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज रहेंगे। ये सब 11 सेकंड का ही क्वेश्चन है, क्योंकि आपको तुरंत इसको लिखना है और तुरंत, चलो एक और 11 सेकंड दे देता हूं, जल्दी से सोचो क्या होगा। जैसे ये लिखा हुआ है, जरा ध्यान से समझना, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, सबसे पहले 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 रख दिया। अब ऐसे कितने हैं जो अनचेंज है, तो सबसे पहले तो 8 है, 8 के बाद 6 है, 6 के बाद 3 है और बस 3 ही है, यानी अच्छा नहीं 4 भी है। कैसे, अब जरा समझना कि यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूँ कि सबसे पहले आपने इसको रखा तो यहाँ पे एक तो ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, जिनके
अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। यानी देखो इस तरीके के क्वेश्चन का क्या है, कोई फॉर्मूला कुछ नहीं, ये किसी सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चे को दोगे तो भी कर लेगा, लेकिन ये क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। यानी ये चार ऐसे हैं जिनके सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी मोर देन थ्री विल बी द राइट आंसर, मोर देन थ्री विल बी द राइट आंसर। चल यहां पर बताओ, अब जरा सोचना मेरी बात, अगर उसने बोला कि राइट से 6 अक्षर के लेफ्ट 19 के राइट 23 है, अब जरा समझना, राइट से 6 तो लिख दिया, लेफ्ट से 19 लिख दिया, राइट से 23 लिख दिया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अलग अलग है तो जुड़ जाएगा, अलग अलग है तो जुड़ जाएगा, सेम सेम होता है तो घट जाता है। अगर ये किया तो ये क्या हो गया कि 19 और 6 कितना हो गया, 25 हो गया। और लिखेंगे क्या, लेफ्ट राइट में लिखेंगे क्या, राइट, हमेशा फर्स्ट वाला ही कंसीडर होता है, तो क्या हो गया, 25 हो गया। अब इस आर 23 को हमने एज इट इज लिख दिया, ठीक है ना। अब बताओ सेम सेम हो गया, जुड़ेगा कि घटेगा, सेम सेम हो गया। अब यहाँ पे सुनना एक बात, जैसे मान लो 25 और 23 है, जब आप 25 में 23 घटाओगे तो कितना आएगा, 24 25, यानी क्या आएगा, 2 आएगा। मान लो यहाँ पे 24 25 R2 आया, अब R2 की प्लेस वैल्यू आपसे बोला जाए क्या होगा, तो या तो ABCDZY ऐसे लिखो, नहीं तो जब भी कोई दिक्कत हो इसको 27 में से 2 माइनस कर लो, कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 25 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, वाई की प्लेस वैल्यू होती है। जब भी राइट से दिया हो, जब भी राइट से दिया हो, और आपको मान लो अभी तो चलो R2 दिया हुआ है, मान लो R16 आ जाता तो आप पूरा ABCD लिख के करते, नहीं इसको 27 से माइनस कर दो, जो आंसर आए लेफ्ट से आपको प्लेस वैल्यू सबकी याद ही है, तुरंत आंसर बता दो कि सर ये हो जाएगा, इसको 27 से माइनस करो, एक ही आया, एक आया 11 आया, यानी तुरंत के बता दो, के होगा आंसर, जवाब सही हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो कोई दिक्कत नहीं, राइट से गिनने की जरूरत नहीं है उसको, लेकिन कब, जब अंग्रेज वर्णमाला दिया गया हो तब, इंग्लिश अल्फाबेट दिया गया हो तब। चल इसको बताओ, इसमें क्या होगा, अगर उसने बोला कि ABCDEFGH साउथ की ओर मुंह किए हुए हैं, तो भाई देखो अगर इधर मुंह किए होते तो ये लेफ्ट होता, ये राइट होता, लेकिन अगर इधर मुंह किए हैं तो ये राइट है और ये लेफ्ट है। चलो ठीक है, इतना होने के बाद आगे क्या बोला, मुंह का पंक्ति में FD के ठीक दाएं ओर बैठा है, FD के क्या है, दाएं ओर बैठा है, तो यहां पे D है तो F इधर बैठेगा क्योंकि राइट अब इधर है, बोलो हाँ या ना। चलो ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, इंग्लिश में देखते हैं, एफ इज सिटिंग जस्ट राइट ऑफ डी, चलो ठीक है। सी इज द नेबर ऑफ बी एंड एफ, सी इज द नेबर ऑफ बी एंड एफ, तो इधर हो नहीं सकता, तो सी इज द नेबर ऑफ क्या हो गया, बी एंड एफ हो गया। द पर्सन हु थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी इज सिटिंग एट द एंड, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई जो है वो एक छोर पर बैठा है, जो डी के थर्ड लेफ्ट में वो एक छोर पर बैठा है। ई इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एफ, ए जो है, जो ई है वो एफ के फोर्थ लेफ्ट में है, तो 1 2 3 4 यहां पे कौन आ गया, ई आ गया। चलो ठीक है, आगे देखते हैं, ए इज सिटिंग जस्ट टू द राइट ऑफ ई, ए इज सिटिंग जस्ट टू द राइट ऑफ ई, अब एक बचा कौन, जी हाँ एक जी बचा, वो ये आ गया, मतलब ये सॉल्व हो गया, बोलो ठीक है ये बैठ गया। अब उसने बोला कि व्हाट इज द प्लेस ऑफ डी, डी का स्थान क्या है, तो और देखते हैं, जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ ए, जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ ए ना, अब ये राइट बन चुका है क्योंकि एवरी वन आर फेसिंग टू द साउथ है, यानी गलत है। जस्ट टू द राइट ऑफ ए, जस्ट टू द राइट ऑफ ए, बिल्कुल नहीं। अच्छा जस्ट टू द राइट ऑफ ए क्या, अच्छा डी क्या, जस्ट टू द राइट ऑफ ए, बिल्कुल नहीं। बिटवीन एफ एंड जी, जी हाँ ये एफ और जी के बीच में है, डी की पोजिशन क्या है, एफ और जी के बीच में है, बिल्कुल सही जवाब है कि नहीं। चलो अब इसमें बताओ क्या है, सभी को उल्टा करके लिख दिया गया है, सभी को उल्टा कर दिया गया है, जल्दी से आंसर बताओ क्या होगा, सभी को उल्टा करके लिख दिया गया, सोचो। अब जरा देखो, अगर आपसे बोला जाए सभी को अपोजिट करके लिख दिया जाए तो क्या होगा, ठीक है ना। अब
जरा सोचो मैंने क्या लिखा, आर इलेवन, चलो ठीक है। फिर क्या बोल दिया, लेफ्ट हैंड साइड से सेवन, लेफ्ट हैंड साइड से सेवन, राइट हैंड साइड से सिक्सटीन लिख दिया। अब जरा समझना कि आगे क्या बोल रहा है। उसने बोला कि अब अलग अलग है तो जुड़ जाएगा, ग्यारह सात अट्ठारह, यानी अब यहाँ पे करने से पहले उसने बोला सभी को उल्टा करके लिख दिया जाए। तो एक बात मोटा मोटा जानो, अगर ये सामान्य तौर पे दिया गया होता तो अभी तक हम सॉल्व कर लेते। जब भी पूरी सीरीज को पलट दिया जाए, यानी ए से लेके जेड तक जो लिखा है उसे जेड से लेके ए तक, यानी पूरे अल्फाबेट को पलट दिया जाए, तो जो राइट है उसको लेफ्ट कर दो, जो राइट है उसको लेफ्ट इलेवन कर दो, जो लेफ्ट है उसको राइट इलेवन कर दो, जो राइट है उसको लेफ्ट इलेवन कर दो। बोलो ना, रेड राइट को लेफ्ट, लेफ्ट को राइट कर दो, बस। नहीं समझे आप, समझ के नहीं आ तक, मतलब कि जो लिखा उसे हम पहले लिख लिए, लेकिन सभी क्या है उल्टे क्रम में लिखे गए, तो हमने क्या किया, राइट को लेफ्ट, लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट कर दिया। बोलो हाँ या ना। चल अब अलग अलग है तो जुड़ जाएंगे, तो 11 सात 18 हो जाएगा, तो यहाँ पे एल 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल 18 हो जाएगा। अब ये सेम सेम है, जुड़ेगा कि घटेगा, घट जाएगा, तो 18 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा, बी, यानी यहाँ पे आंसर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर, बी बिल्कुल सही। अब इस तरीके के क्वेश्चन रट गए कि नहीं, पहले होता था कि अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, तो दाहिने से 11वें अक्षर के बाएं 7वें अक्षर के दाहिने 16वां अक्षर कौन सा होगा। अब ये दुख नहीं करेगा क्योंकि अब हमको क्लियर होने लगा है। अब यहां पे बताओ क्या होगा, इस पे सोचो क्या होगा। बताओ जे के एल एम है, यहां पे जे के एल एम है, सोचो क्या हो जाएगा आराम से, लेकिन सोच के देखो कि क्या होना चाहिए। प्लेस वैल्यू से अगर क्लियर कर लो, ये क्या होता है 10 होता है, ये क्या होता है 11 होता है, ये क्या होता है 12, और ये क्या होता है 13। अब जरा समझना कि यहां पे 9, यानी इसमें आई क्या होता है 9999 आया, यानी अगर इसमें -1 करें, इसमें -2 करें, इसमें -3 करें, इसमें -4 करें, तो आएगा 9999। अब इसमें ये क्या लिखा है 16, ये क्या लिखा है 17, ये क्या लिखा है 18, ये क्या लिखा है 19, इसमें -1 -2 -3 -4, इसमें माइनस किया 15, 17 में 2 गया 15, 18 में 3 गया 15, 19 में 4 गया 15, और 15 क्या होता है ओ ओ ओ ओ, यानी ओ ओ ओ ओ, ऑप्शन में 4 ही ओ होगा, भावनाओं में बह के ऐसे ऐसे आंसर कौन करता है, ओ ओ ओ सॉरी ये होगा आंसर। अब ओ ओ ओ ऐसे 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 कौन बनाता है, 4 ही ओ होगा ना, तो 4 ही ओ बनाओ। अब सोचो सर मेरा आंसर पहले देख ले, 4 ही ओ आएगा दद्दा, बस 4 ओ आएगा, सिर्फ 4 ओ, ठीक है ना, ठीक है ना, सिर्फ 4 ही ओ आंसर सही होगा, ठीक है ना, -1 -2 -3 -4 कर देंगे। चलो इस पर जवाब बताओ, फर्स्ट हाफ बदल दिया, कितने लोगों को इसका आंसर पता है, जल्दी से बताओ इसका शॉर्टकट क्या होता है, फर्स्ट हाफ बदल दिया जाए इसका शॉर्टकट क्या होता है, जल्दी से बताओ क्या होता है इसका शॉर्टकट। अगर उसी ने बोला कि इन द इंग्लिश अल्फाबेट फर्स्ट हाफ पलट दिया जाए तो आंसर क्या होगा, जल्दी से सोच के बताओ, फर्स्ट हाफ पलट दिया जाए तो जवाब क्या होगा। सोचो मैंने आपको बताया था अगर फर्स्ट हाफ एक से लेके 13 तक के अल्फाबेट पलटे तो हमेशा 14 से माइनस करते हैं, और अगर 14 से लेके 26 तक पलटे तो हमेशा 40 से माइनस करते हैं, ये याद रखना। जब बोले फर्स्ट हाफ पलट जाए तो जो आंसर आए उसको 14 से माइनस कर देंगे, और अगर बोले सेकंड हाफ पलट दिया जाए, द्वितीय अर्धांश पलट दिया जाए, तो सारा क्वेश्चन सॉल्व वैसे ही करेंगे, जब आंसर आ जाएगा तो उसको 40 से माइनस कर देंगे तो सेकंड हाफ पलट जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये क्या होता है, क्या होता है, कैसे होता है, मैं आपको बता रहा हूं, इसको और अभी और क्लियर करता हूँ, जरा समझना। जैसे मान लो कि यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, उसने क्या बोला कि क्या बोला, लेफ्ट हैंड साइड से चौथा, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड से चौथा लिख दिया, ठीक है। फिर क्या बोला, राइट हैंड साइड से 22वां, तो राइट हैंड साइड से 22वां कर दिया। फिर बोला लेफ्ट हैंड साइड से 19वां कर दिया। अब मेरी बात समझना कि हम इनमें क्या करते हैं, अलग अलग होगा, जुड़ेगा कि घटेगा, जुड़ जाएगा, तो 22 4 कितना हो गया, 22 4 26 हो गया, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से 26 और L 19 लिख दिया। अब सेम सेम है, जुड़ेगा कि घटेगा, अब बताओ, सेम सेम है, जुड़ेगा कि घटेगा, घट जाएगा, तो 26 में से 19 गया। अब अगर उसने फर्स्ट हाफ पलटा है, अपनी बुद्धि लगाओ, मैं नहीं कोई शॉर्टकट बताता, फर्स्ट हाफ पलटा है तो अगर वैल्यू 13 से कम आती है तो सीधा सीधा सॉरी अगर 13 से कम आती है तो वो तो पलटा हुआ है, क्योंकि वो 13 से 1 लिखा है, क्योंकि फर्स्ट हाफ पलट दिया गया है। बोलो हाँ या ना। लेकिन अगर 13 से ज्यादा आता है, 14 15 16 17, तो उसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, नॉर्मल आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसने फर्स्ट हाफ पलटा है तो 1 से 13 के अंदर की वैल्यू आएगी, तो उसे 14 से माइनस करेंगे, लेकिन आंसर अगर 15 16 आ गया तो
भले ही फर्स्ट अर्धांश क्यों ना पलटा हो, 15, 16, 17, 18, 19, 20 आ गया तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, लेकिन 26 में जब 19 गया तो लेफ्ट हैंड साइड से 7 आया, और 7 क्या है, 13 से कम है, इसलिए इसको 14 से माइनस कर दिया, आंसर आ जाएगा वंस अगेन L7, और L7 क्या होता है, जी बिल्कुल सही जवाब हो गया। ये बात मेरी समझ में आई कि नहीं, कि अगर फर्स्ट अर्धांश पलटा गया है तो अगर फर्स्ट अर्धांश है तो अगर वैल्यू 13 से कम आती है तो पहले अर्धांश में होगा तो हम उसे 14 से माइनस करेंगे, और अगर 13 से ज्यादा आती है तो फिर पलटने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि 14 से लेकर जेड तक तो वैसे ही लिखा है जैसे पहले था। तो इसलिए मैंने लिखा कि यदि ऑर्डर फर्स्ट हाफ में रिवर्स हो, यानी फर्स्ट हाफ पलट के लिखा गया हो, और 13 या 13 से कम हो, क्योंकि 14 के ऊपर रहेगा तो कोई मतलब ही नहीं, वो तो एज इट इज लिखा है, तो 13 या 13 से कम आए तो उसे 14 से घटाकर उत्तर करते हैं। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, ये एकदम क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके के कुछ, अगर यही सेकंड हाफ पलट दिया जाएगा, सेकंड हाफ पलट दिया जाएगा तो सेकंड हाफ तो 14 से लेके जेड तक पलटा जाएगा ना, सेकंड हाफ 14 से लेके 26 तक पलटा जाएगा, बोलो हाँ या ना। सेकंड हाफ की अगर हम बात करें तो 14 से लेके 26 तक पलटा जाएगा, तो यानी इस तरीके से होगा। तो अगर वैल्यू 13 से कम आती है तो हमसे कोई मतलब ही नहीं, एज इट इज लिख देंगे, लेकिन अगर सेकंड हाफ पलटा है वैल्यू 13 से कम 13 से ज्यादा आती है 14 26 के बीच में तो उसे 40 से घटा करके आंसर करते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। बोलो हाँ है ना। चलो इसका आंसर बताओ, अब सोचो सर के बल दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है तो उसका लेफ्ट हैंड साइड किधर होगा? जी हाँ, उसका लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट में ही होगा, क्योंकि वो सर के बल साउथ डायरेक्शन में खड़ा है, ऐसे करके वो अगर ऐसे खड़ा होता तो इधर इधर लेफ्ट इधर राइट हो जाता, इधर राइट इधर लेफ्ट हो जाता, लेकिन सर के बल खड़ा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो नॉर्थ फेसिंग ही माना जाएगा, उसका लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट में ही होगा, क्योंकि सर के बल खड़ा होकर वो साउथ की तरफ देख रहा है, तो याद रखिएगा उसका लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट में ही होगा। बिल्कुल सही जवाब, एक नंबर, जबर शानदार, बिल्कुल साउथ में ही होगा। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि सर के बल वो साउथ की तरफ मुंह करके खड़ा है तो उसका लेफ्ट राइट वैसे ही होगा जैसा नॉर्थ, यानी उसका कोई फर्क उसके साउथ की तरफ देखने का कोई मतलब नहीं है। बोलो बात सही है ना। चलो एक और इसका आंसर बता दो। अब देखो द्वितीय अर्धांश पलटा है तो अगर वैल्यू 13 से कम आती है तो कोई दिक्कत नहीं, सीधे आंसर हो जाएगा, भले पलटा है तो क्या हुआ, लेकिन द्वितीय अर्धांश पलटा है 13 से ज्यादा वैल्यू आई, यानी 14 से 26 के बीच वैल्यू आई तो उसे हमेशा 40 से घटाकर आंसर, ठीक है ना, जल्दी से करते हैं। फिर से उसको सॉल्व करेंगे, है ना। अब ऐसे देखो, यहाँ पे लिख लिया लेफ्ट हैंड साइड से 3, लेफ्ट हैंड साइड से 3, फिर क्या है राइट हैंड साइड से 5, राइट हैंड साइड से 5, फिर राइट हैंड साइड से 16, राइट हैंड साइड से 16। अब अलग अलग है तो जुड़ जाएगा, 5, 3, 8, तो यहाँ पे एल 8 हो गया, अलग अलग है तो हमेशा पहला कंसीडर होगा 8, आर 16। अब फिर क्या है, अलग अलग है जुड़ जाएगा, तो 16 में 8 जोड़ोगे तो 14 से ऊपर वैल्यू आई है, बोलो हाँ है ना। तो जो भी आंसर है उसको 40 से घटा के जवाब दे दो। 16 में 8 जोड़ोगे तो 16 8 कितना हो गया, 16 8 कितना हो गया, 24 हो गया। तो ये क्या है, 14 से ज़्यादा है कि नहीं, तो इसको 40 से घटा के आंसर करेंगे, और अगर 40 में 24 जाएगा तो बचेगा कितना, 16, और वो क्या होता है, पी उसका बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन अगर यही आंसर यहाँ पे आ जाता है 12 तो हम सीधे का सीधे एल जवाब कर देते, यहीं पे जवाब आ जाता 4 तो यहाँ पे हम सीधे डी जवाब कर देते, भले सेकंड हाफ पलटा हुआ तो हमसे क्या मतलब, हम 40 से घटाते ही नहीं, 40 से तब घटाएंगे जब वैल्यू 14 से ऊपर आए, क्योंकि सेकंड हाफ पलटा गया है तो 40 से घटाने का प्रावधान तब है जब आपका वैल्यू किससे 14 से ज़्यादा आए, ठीक है ना, 14 से नीचे आएगा तो एज इट इज जवाब हो जाएगा। बोलो बात सही है। तो चलो याद देखो, यही चीज़ मैंने लिख ली, को नोट बना के लिख लेना, यदि सेकंड हाफ रिवर्स हो जाए और वैल्यू 13 से ज्यादा हो तो एक बार 40 से घटाकर उत्तर करते हैं, और यदि वैल्यू 13 है 13 से कम है तो आंसर जस का तस कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इन सबको नोट्स बना के लिख लो, आपके आगे काम आएगा, ठीक है ना। चल तो यहां पे दोस्तों आपका दो होमवर्क है, एक HW ये है, इसको भी लिख लेना कॉपी पे, एक HW ये है आपका और दूसरा HW आपका ये है,
यानी ये दो एच डब्ल्यू हैं आपके, इन दोनों एच डब्ल्यू को आपको सॉल्व करना है। और कमेंट बॉक्स में कल मैं लाइव कमेंट दिखाऊंगा कि कितने लोगों ने इसका कमेंट किया है, मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि वीडियो खोल के कि कितने लोगों ने इसका कमेंट किया है। जैसे आज मैंने लाइव, कल मैं लाइव दिखाऊंगा कितने लोगों ने इसका कमेंट किया। तो एक पहला ये है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आशा करते हैं ले लिया होगा आप लोगों ने, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए ठीक है। और अगला स्क्रीनशॉट ये ले लीजिए, ये दो क्वेश्चन हैं जो आपको मुझे करके दिखाने हैं। अगली क्लास में मैं यही क्वेश्चन आपको पूछूंगा ठीक है ना। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब बस इस सेशन को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। ऑलवेज बी हैप्पी एंड एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। खुश रहें, मस्त रहें, सहृदय।